कटनी में मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया। जिले भर से आए शिक्षकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान शिक्षकों ने विधायक संजय पाठक के सामने अपनी मांगें भी रखी। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि वे शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संघ ने कटनी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक उपस्थित रहे। जिले भर से आए शासकीय शिक्षकों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों ने वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर कहा कि शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति, पुरानी पेंशन बहाली सहित विभाग से जुड़ी कई ऐसी मांगे हैं जिनको विधायक जी पूरा करवाएं। विधायक संजय पाठक ने शिक्षकों को आश्वासन भी दिया कि वे उनकी बातें प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाएंगे और उनकी प्रमुख समस्याओं के निराकरण करवाएंगे। देखिए, सम्मानित शिक्षक गणों की दो मांगे पूर्णतः जायज हैं। पहली मांग तो यह कि जिस तारीख से उनकी नियुक्ति हुई उस दिनांक से उनको वरिष्ठता दी जाए। इसमें मैं समझता हूँ कि कहीं कोई आपत्ति सरकार के बैठे अधिकारियों को भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इनने वरिष्ठता मांगी है, लेकिन उस वरिष्ठता की अवधि का 20 साल का एरियर्स कोई आर्थिक लाभ नहीं चाह रहे। वो चाह रहे कि हमें हमारा सम्मान वापस लौटाया जाए। हमारी 20 साल 25 साल की सेवा के बाद हमको आखिरी के 4 साल के लिए वरिष्ठता दी जाएगी, तो वो अनुचित है। ये जायज़ मांग है, इसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग उठाऊँगा, रखूँगा। और दूसरी मांग इनकी है कि ड्यूटी के दौरान हम जाते आते हैं, घटना दुर्घटना हो सकती है, तो मृत्यु होने की दशा में हमारे जो भी आश्रित होंगे उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। दोनों जायज मांगे। आज जो है तीन शिक्षक संगठनों के प्रांताध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन राष्ट्र के अध्यक्ष मैं, राष्ट्र शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष सम्मानी राकेश नायक जी और प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष सम्मानी श्री मनोहर दुबे जी के साथ हम लोगों ने यहाँ बैठ करके ये कार्यक्रम रखा था। लगभग 13 जिलों के पदाधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित थे। हमारी मांग है कि हमारी जो सेवा अवधि की गणना है वो हमारे प्रथम नियुक्ति दिनांक, जब हम भर्ती हुए, चाहे शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती हुए हैं, गुरुजी या संविदा शिक्षक, उसके रूप में जब भर्ती हुए थे उससे की जाए। और जो हमारे, ताकि हमको भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सके, यदि भविष्य में कोई पुरानी पेंशन बहाल होती है तो उसका भी लाभ हमको मिल सके, हमारी ये मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो आश्रित है, यदि हमारी मृत्यु होती है तो 30 दिवस के अंदर उसको अनुकंपा नियुक्ति मिले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।